अक्टूबर इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ और ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर्स में आता है हमारे देश में और पूरे विश्व में। अब इसमें अवेयरनेस में सबसे पहला फैक्ट है कि किन लोगों को चेकअप कराना चाहिए, क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम्स आता है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ। हर गांठ कैंसर नहीं होती और हर गांठ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप अपने किसी ब्रेस्ट सर्जन से, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके चेकअप कराओ। सेकेंड, आपको एक कॉन्स्टेंट पेन हो सकता है जो आपको कई बार लंप नहीं फील होता, वो भी आपको चेकअप कराना चाहिए। तीसरा होता है कि बगल में गांठ आ जाए, आर्मपिट, वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है। निप्पल डिस्चार्ज, जो कि ब्लड टिंज मींस ब्लड कलर का हो, वो भी एक सिम्टम हो सकता कैंसर का, उसमें भी आपको चेकअप कराना चाहिए। अब इसके लिए चेकअप क्या कराएं, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज 50 से लेस है तो वी ऑलवेज एडवाइस अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट और MRI ब्रेस्ट। एज अगर 50 से ज़्यादा है, इट शुड बी मेमोग्राम ऑफ द ब्रेस्ट, समटाइम्स MRI ऑफ द ब्रेस्ट। जब आपको अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राम और MRI में कोई गांठ फील होती है, तो उसमें आपको कैटेगरी वाइज ये पता लग जाता है कि इसमें कितना शक है कि कैंसर डेवलपमेंट होने का। अगर हमें कैंसर का शक ज़्यादा होता है तो हम उस पेशेंट्स की हमेशा आइदर इमेज गाइडेड मीन्स अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं या हम खुद बायोप्सी करते हैं, ताकि ये पता लगे कि भी इसमें कैंसर है या नहीं है। बायोप्सी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कैंसर है या नहीं है, अगर कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है। उसके लिए 3 टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उस बायोप्सी पे, ER, PR, HER, और आपको ये डिक्टेट करते हैं कि इस कैंसर का बिहेवियर कैसा होगा। ये एग्रेसिव है, ये स्लो ग्रोइंग है, आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, कीमोथेरेपी होगी नहीं होगी, टारगेट थेरेपी होगी होगी नहीं होगी, हॉर्मोन थेरेपी देने की ज़रूरत है या नहीं है, सो दैट आप ट्रीटमेंट करने से पहले पेशेंट के साथ पूरा प्लान डिस्कस कर पाओ। फिर हम इमेजिंग कराते हैं कि कहीं स्प्रेड तो नहीं है, उसमें आजकल हम पेट स्कैन कहते हैं हमेशा, अर्ली स्टेज में पेट स्कैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर एडवांस स्टेज में हमेशा पेट सिटी कराते हैं। वो आपको ये गाइड करता है कि स्टेज 1, 2, 3 या 4 है, और उसमें भी ऐसा नहीं कि पेट स्कैन ने अगर कहीं स्प्रेड दिखा दिया तो वो कैंसर ही होगा। उसको कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये ब्रेस्ट से कहीं स्प्रेड हुआ है वो कैंसरस ही है, या साथ में कोई TB की गांठ तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है, तो उसको भी कंफर्म करना चाहिए और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाके चेक कराइए। लेट्स डॉक्टर डिसाइड कि अब आपको क्या टेस्ट की और रिक्वायरमेंट है, बायोप्सी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और अगर बायोप्सी के बिना इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, आपको नहीं आइडिया होता कि किस टाइप का ये कैंसर है, आपसे पूरा डिस्कशन हो ट्रीटमेंट का, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराएं। मेरी आपसे यही एक सलाह है कि गो फॉर योर बेस्ट, सर्च फॉर योर बेस्ट एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू।